एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कोई प्रोडक्ट रिव्यू शेयर नहीं करने वाली, ना ही कोई होम रेमेडी। एक आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स कि मैसेज आते हैं मेरे पास, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे चाहने वाले मुझसे पूछते हैं कि सनस्क्रीन को कैसे यूज करना चाहिए, लाइक डेली स्किन केयर में इसको कब अप्लाई करूँ, मेकअप करते हो तो कब अप्लाई करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए जिसमें मैं सनस्क्रीन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दूँ। चलो मैं आपको बता देती हूँ कि सनस्क्रीन को एक्चुअली मैं अप्लाई कब करते हैं। सो जब आप फेस वॉश करते हो तो उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है आपका टोनर, जो कि अगर टोनर यूज करते हो तो टोनर अप्लाई करोगे। देन अगर आप कोई सीरम यूज करते हो तो टोनर के बाद आपको सीरम अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है आपका फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर, जो भी आप यूज करते हो। बेसिकली हम सबसे पहले अपना स्किन केयर फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है आपका सनस्क्रीन। फिर बात करें अगर सनस्क्रीन की एप्लीकेशन की, कि हमें कैसे और कितना सनस्क्रीन यूज करना चाहिए, तो आपको सनस्क्रीन को अप्लाई करते समय मसाज नहीं करना होता, लाइक सनस्क्रीन की एक पतली सी लेयर आपके स्किन पर बन जाए। एंड क्वांटिटी की बात करें तो मैं एज लाइक थ्री फिंगर रूल पे बिलीव नहीं करती कि आपको बहुत सारा क्वांटिटी लेने की जरूरत है। इट इज जस्ट आपको उतना क्रीम लेना है जिससे कि आपके फेस, नेक एंड ईयर जो अच्छे से कवर हो जाए। बहुत मोटी लेयर लगाने की जरूरत नहीं है, बट एक पतली सी लेयर आपके स्किन पे होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर के बाद स्किन में ड्राई हो जाएगी एंड आपके स्किन को सन से प्रोटेक्ट करेगी। जो भी यूवी एंड यूवी बी रेज होंगे उनको फिल्टर करेगी, आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगी कुल मिला के। सो सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद हमेशा ही आपको 10 से 15 मिनट मिनिमम 15 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप मेकअप अप्लाई करने वाले हो और अगर आप बाहर जाने वाले हो तो कम से कम 15 मिनट वेट करो, लाइक सनस्क्रीन अप्लाई करो। आपको मसाज नहीं करना, लाइक अप्लाई करके अगर आप फैन के सामने खड़े हो जाओगे तो आप देखोगे कि 10-12 मिनट के बाद वो खुद ही स्किन में अच्छे से सूख जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड उसके बाद आप चाहो तो सेटिंग पाउडर यूज कर सकते हो, और अगर आपको मेकअप करना है तो आप इसके बाद मेकअप के स्टेप्स को स्टार्ट कर सकते हो। या इतना करने के बाद हो गया, बस यही करना होता है, यही सही तरीका सनस्क्रीन को अप्लाई करने का। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने की जरूरत नहीं। एंड अगर सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेवी और वो स्वेटिंग वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो समझ लो कि वो सनस्क्रीन या तो आपके स्किन टाइप के हिसाब से नहीं है और वेदर के हिसाब से सही नहीं है। लाइक आजकल मार्केट में बहुत सारे सनस्क्रीन की वैरायटीज हैं, तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से ले सकते हो। तो अभी बात कर लेते हैं SPF के बारे में। SPF को भी लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं, लोगों को लगता है कि SPF जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा देर हमारी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप SPF 30 यूज़ करो, 50 यूज़ करो, 80 यूज़ करो, जो जितना करना है कर लो, आपको 2-2.5 घंटे तक ही प्रोटेक्शन मिलने वाला है। उसके बाद आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। एंड SPF कितना यूज़ करना चाहिए, तो आइडियली देखो SPF 50 जो है वो परफेक्ट है इंडिया के हिसाब से, लाइक इंडियन स्किन टोन के हिसाब से, यहाँ का जैसा वेदर होता है SPF 50 को आइडियल माना जाता है, एंड या 50 काफ़ी होगा। साथ ही आजकल मार्केट में लगभग सारे बॉडी लोशंस एंड क्रीम्स में आपको, फेस क्रीम्स में आपको SPF 15 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो क्या इसको यूज़ करने के बाद सनस्क्रीन को स्किप कर सकते हैं, तो लाइक भूल गए तो कोई बात नहीं, घर के अंदर हो तो कोई बात नहीं, बट अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तो SPF 15 से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला। लाइक इसको आप इजीली भूल सकते हो, आप इसको काउंट ही मत करो कि इसमें कुछ सन प्रोटेक्शन भी है। बट ये घर के अंदर, क्योंकि खिड़कियों से और हमें जो भी लाइक ऐसे जो सन रेज जो आती है तो उससे प्रोटेक्ट करेगा, बट अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना कंपल्सरी है। स्पेशली अभी के टाइम के हिसाब से जो सन की रेज है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है, इसी वजह से बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स भी लोग फेस कर रहे हैं। तो एक मिनट के लिए आप अपना फेस मॉइस्चराइजर भूल जाओ, अपना नाइट क्रीम भूल जाओ, बट सनस्क्रीन को बिल्कुल भी स्किप मत करो। एंड मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपने घर के बच्चों को और जो आपके पेरेंट्स हैं उनको भी सनस्क्रीन यूज़ करने की आदत डालो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई रियली होप कि अभी आपके मन में सनस्क्रीन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। एंड अभी भी अगर आपके मन में सनस्क्रीन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आराम से पूछ सकते हैं। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई रियली होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।